सभी को। फिजिक्स की जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोग तरंग के बारे में बातचीत कर रहे थे और तरंग के जो मेन टर्म्स हैं उन चीज़ों के बारे में बात चल रही थी, जो टर्म्स यूज होंगे धीरे धीरे उनके बारे में। लगभग लगभग टर्म हमारे कंप्लीट होने की तरफ है, लगभग 4 या 5 बचे हुए हैं। जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने 6 कर लिए थे, तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट। 7 नंबर जो हमारा पॉइंट है, 7 नंबर जो हमारा पॉइंट है वो है तरंग संचरण नियतांक। तरंग संचरण नियतांक ठीक है, इसको हम के से लिखेंगे। जो समीकरण हमारी थी उसमें इसी से लिखा हुआ था। देखो समीकरण हमारी जो तरंग की थी वो ये थी, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स। यहाँ जो ये के यूज हो रहा है ये होगा तरंग संचरण नियतांक। एक चीज़ और मैं यहीं ये ऐड करवा देख लेते हैं भाई, ज़्यादा हमें हो सकता है आवश्यकता ना पड़े लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। यहाँ मैंने माइनस लिखा है, हो सकता है इसमें प्लस भी आ जाए तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जब यहाँ माइनस होगा तब तो तरंग आगे की तरफ बढ़ रही होगी और यहाँ जब प्लस होगा तब तरंग पीछे की तरफ बढ़ रही होगी। भाई हम रस्सी को रोटेट करवा रहे हैं ऊपर की तरफ, हो सकता है आगे की तरफ जा रहा हो, वे हो सकता है पीछे की तरफ आ रहा हो। तो जब माइनस होगा तब आगे की तरफ, प्लस होगा तब पीछे की तरफ, ठीक है। देखो अब इस के बारे में बात करेंगे, तरंग संचरण नियतांक। आयाम के बारे में बात हो चुकी थी, आवर्तकाल वगैरह आवर्ती उन चीज़ों सब के बारे में बातचीत हो चुकी थी। तरंग संचरण नियतांक जो होगा उसकी अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, एकांक दूरी पर कंपन कर रहे कणों के मध्य जो कलांतर होगा वही तरंग संचरण नियतांक कहलाते हैं। जैसे मैंने डायग्राम बनाया था, यहाँ बना लेते हैं वापस, ये मान लेते हैं इस प्रकार, यहाँ एक इसका चक्र पूर्ण हो रहा है तो इसमें इकाई दूरी पर स्थित यूनिट ले लेंगे, तो इस यूनिट में जो इकाई दूरी पर दो कण स्थित होंगे उन दोनों के मध्य जो कलांतर आएगा उसी को बोला जाता है तरंग संचरण नियतांक। अब अगर आपको याद है तो फॉर्मूला हम लोगों ने ये निकाला था, लैम्डा बराबर 2π/ के। वहाँ लैम्डा का मान निकाल रहे थे, यहाँ के का मान निकाल रहे हैं, तो के का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, 2π/ लैम्डा के बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा एक फॉर्मूला और देखा था हम लोगों ने, वो क्या था, वी बराबर ओमेगा बटे के। बस पीछे का पार्ट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, नई चीज़ हम यहाँ से कम हो जाएंगी। तो वेग जो हम लोगों ने तरंग वेग जो निकाला था, तो तरंग वेग कितना था, ओमेगा बटा के। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू चाहिए, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी के बराबर ओमेगा अपॉन वी। अब इनमें दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं ये, और ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, के बराबर ओमेगा अपॉन वी, जो वेग होगा जो कोणीय वेग होगा उस प्रकार हम इसको यूज कर लेंगे। तो के बराबर 2π/ लैम्डा, के बराबर ओमेगा अपॉन वी, ये दोनों फॉर्मूले इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे और अच्छा पार्ट है ये, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई विशेष चीज़ नहीं है, परिभाषा भी इसकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। और परिभाषा में ये कांस्टेंट के रूप में यूज किया जाता है, काफ़ी जगह तो इसकी परिभाषा नहीं मिलेगी आप लोगों को, लेकिन अगर कहीं यूज भी करनी पड़े तो ये याद रखना कि इकाई दूरी पर स्थित दो कणों के मध्य जो कलांतर होगा वो क्या कहलाएगा, तरंग संचरण नियतांक कहलाएगा एक तरंग के लिए। और इस प्रकार की जब समीकरण लिखी हुई होगी तो टी के साथ जो भी पद हो गया, जो भी संख्या आ रही होगी वो किसका मान होगा, ओमेगा का, और एक्स के साथ जो भी मान होगा वो उसके किसका मान होगा, के का। जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तब देखेंगे भाई इस पूरी समीकरण में जितने पद हैं, ए है, ओमेगा है, एक्स है, इन सबको हम क्या कर लेंगे, पहले से अलग लिख लेंगे और इन तीनों चारों चीज़ों से हमारे लगभग लगभग क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखो चलिए नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कणवेग। कणवेग अब देखो वेग के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो वेग दो प्रकार से हम यहां यूज कर रहे हैं, पहला
हम लोग निकाल चुके हैं कि तरंग का वेग क्या होगा। अब इसमें ये समझना कि मान लेते हैं ये अगर रस्सी में वेव बन रही है तो ये तरंग किस गति से आगे की तरफ बढ़ रही होगी, वो तो क्या कहलाएगा उसका, तरंग वेग। यहां मैंने लिखा है कण वेग। कण वेग का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट को मैंने जो बताया था कि रस्सी का एक कण पकड़ के हम ऊपर नीचे उसको SHM या रोटेट करवा रहे होंगे, भाई ऊपर ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे ऊपर नीचे इस प्रकार कार्य करेंगे, तो वो जो रस्सी का जो कण होगा या जो रस्सी का सिरा जो होगा वो जिस स्पीड से गति कर रहा होगा उसकी जो स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी, कण वेग कहलाएगी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तरंग वेग का मतलब जिस स्पीड से तरंग आगे की तरफ बढ़ रही होगी, और कण वेग जिस स्पीड से हम रोटेट करवा रहे होंगे उसको SHM करवा रहे होंगे, वो दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो कण वेग में शायद देखो इसमें ज़्यादा कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारा समीकरण है, इससे हम गति उसको कण को गति करवाए वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, और उस कण की गति के कारण ही तरंग क्या होगी, उत्पन्न होगी। अगर हमें कण वेग निकालना है तो कण वेग क्या होता है, ये आ जाएगा मान यहाँ से ये जो वाई है तो डेल वाई बट्टा टी। भाई हम वेग का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन बटे समय। ये वाई समीकरण है, एक्स और वाई किसको प्रदर्शित करते हैं, स्थिति को, तो ये स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, तो स्थिति में जो परिवर्तन की दर आएगी वही क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो डेल वाई बराबर आ जाएगा वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसमें परिवर्तन, अब यहाँ देखो अगर कोई आर्ट से है तो इस चीज़ में वो टेंशन ना ले, याद कर ले इस चीज़ को, ज़्यादा कोई चीज़ें इस चीज़ पर नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन साइंस वाला इसको अच्छे से जानता है। अगर सीधी पोजीशन होती तो हम लोग दोनों में डिफरेंस निकाल के आंसर निकाल लेते, लेकिन यहाँ साइन का पद यूज हो रहा है तब हमें क्या करना पड़ता है, अवकलन। और इसका जब अवकलन करेंगे तो ये ध्यान रखो, साइन है तो उसका कोस हो जाएगा, कोस है तो उसका साइन हो जाएगा, और टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये ओमेगा का पद जो आएगा वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पद आएगा। अभी तक ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है और वो भी CDS के एग्जाम में, इस जो कण वेग में बता रहा हूँ कि कण वेग डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कण वेग का अधिकतम मान कितना होगा, और उसमें ऑप्शन थे तो कोस का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, अगर मैं इसका मान लिखना चाहूँ वी मैक्सिमम अगर लिखना चाहूँगा तो ये आ जाएगा ए ओमेगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिकतम मान कितना होगा, ये समीकरण हमसे नहीं पूछी गई थी। तो CDS के एग्जाम में सिर्फ एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ भी ये रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कहीं भी क्वेश्चन सेम टू सेम पुट कर ले तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो कण वेग है अगर देखा जाए तरंग गति के अंदर, तो तरंग गति के अंदर तरंग का जो वेग होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बजाय इसके। ठीक है, तो दोनों ही जो पॉइंट हम लोगों ने अभी देखे हैं तो दोनों में कोई विशेष अलग से पॉइंट नहीं है, सिंपल सिंपल पॉइंट है दोनों में, एक कण वेग और एक तरंग संचरणीयतांक है, दोनों की परिभाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें कला। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी समीकरण है y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस में kx, ये जो भी मान होगा साइन के साथ में, साइन के कोण में ओमेगा t माइनस के एक्स, ये जो भी मान होगा इसी मान को बोला जाता है कला। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना आप लोगों को एक बार कि ये जो भी मान होगा चाहे कितना ही आ रहा हो, यहां कितना भी जो मान आएगा वो पूरा का पूरा जो मान होगा वो क्या रहेगा, कला रहेगा। तो इसमें कोई विशेष चीज नहीं है, नहीं इस पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने, लेकिन क्योंकि हमें इस चीज को आगे रिलेट करना है इसलिए ये पार्ट ज्यादा आगे इंपॉर्टेंट होगा। देखो नेक्स्ट चीज के बारे में बात करें, दस नंबर कलांतर। ठीक है, अब मान लो हमारे पास दो तरंग है y1 और y2, दो तरंगे हैं अलग अलग, तो उसमें क्या होगा, एक में कला का मान कुछ अलग आएगा, दूसरे में कला का मान कुछ अलग आ रहा होगा। मान लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ, ये जो मान आएगा वो आएगा ओमेगा वन टी माइनस के वन एक्स, इसमें लिखूँ तो ये आ जाएगा ओमेगा टू टी माइनस के टू एक्स आ जाएगा। ठीक है,
तो कलांतर का मतलब क्या है, दोनों की कला में डिफरेंस है। जब दो तरंगे आपस में एक दूसरे पर अध्यारोपित तो हो रही होंगी, तब उन दोनों में जो कलांतर आएगा, दोनों में जो अंतर आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, कलांतर बोलेंगे। तो कलांतर को डेल फाई से लिख ले, कलांतर को डेल फाई से लिखा जाएगा, और ये जो मान आएगा वो आ जाएगा वाई वन माइनस इसमें वाई वन माइनस वाई टू। ये जो मैंने मान लिखे वाई वन और वाई टू, मतलब कुल मिला के यही है, अगर दो समीकरण हमें तरंग की दे रखी होगी तो यहां जो भी मान आएगा उन दोनों के मान में जो डिफरेंस आएगा वही क्या रहेगा, कलांतर रहेगा। ठीक है, ये 10 नंबर पॉइंट है। 11 नंबर पॉइंट, पथांतर। पथांतर को लिखा जाता है डेल एक्स से, डेल एक्स से। भाई पथ जो होता है उसको x के पदों में समीकरण में लिखते हैं, और पथ में जो अंतर आएगा उसी को पथांतर के रूप में यूज करते हैं हम लोग। पथांतर में क्या होगा कि मान लेते हैं जो पथ, जिस पथ से गति कर रही होगी तरंग, वो एक में x1 मान लेते हैं उसको और दूसरे में x2 से मान लेते हैं, और तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो पथांतर हो जाएगा। 12 नंबर जो पॉइंट है वह है समय अंतराल। समय अंतर इतना ही लिख लेते हैं। तो अब समय को t से लिखते हैं, तो समय में जो अंतर ले रहे होंगे उसको किससे लिख लेंगे, डेल t से लिख लेंगे। भाई एक तरंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में अगर t1 टाइम लेती है, तो हो सकता है दूसरी तरंग उसी दूरी को तय करने में t2 टाइम ले रही होगी। तो उन दोनों के जो टाइम में डिफरेंस आएगा, उन दोनों के टाइम में जो अंतर आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, समय अंतर के बराबर हो जाएगा। तीनों पॉइंट जो है मैंने यहां बता दिए, कलांतर, पथांतर और समय अंतर। इन तीनों पॉइंटों में डायरेक्ट हमें पता है कि इस प्रकार हमें ये कभी भी नहीं पूछेगा कि दो पॉइंट दे देगा और उसमें दोनों में डिफरेंस हमसे पूछ रहा होगा। लेकिन ये तीनों ही पॉइंट में एक रिलेशन होता है, इन तीनों पॉइंटों में एक रिलेशन बनेगा एक फॉर्मूले के तहत, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हमारे पास बनेगा और उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन पे क्वेश्चन बहुत कम पूछे, लेकिन हमें पता होना चाहिए पथांतर है क्या, समयांतर क्या है, और पथांतर और समयांतर कलांतर जो सब कुछ है। ठीक है, अब देखो मैं वो रिलेशन लिखता हूँ और मैं साथ के साथ उस संबंध को आप लोगों को याद भी करवा दूंगा जिससे थोड़ा सा आसान रहे, बाकी उसी को हमें याद रखना है। देखो क्या था, एक था डेल एक्स, डेल एक्स पथांतर, दूसरा था डेल टी समय में अंतर, और तीसरा पॉइंट हमारा था डेल फाई, वो डेल फाई था क्या, कलांतर। तो ये तीनों पॉइंट हमारे पास आ गए। अब एक चीज बताओ कि इनका अधिकतम जो भी मान होगा वो कितना हो सकता है, वो मान मैं लिखूंगा। डेल फाई उन दोनों की कला में डिफरेंस, तो एक तरंग जो होती है वो एक चक्कर जब पूर्ण करके आएगी तो वो कितना पथ तय करके आती है, टू पाई। ये इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में हमारी बात हो चुकी थी कि बिल्कुल जब सरल रेखा में गति होगी तब एक्स वाई जो होंगे उनमें दूरी वैसे डिपेंड करेगी, और वर्तीय गति जब हो रही होगी तब वो कोण में नापा जाता है। तो डेल फाई एक तरंग जब पूरा चक्कर करके आती है तो एक चक्कर पूरा करेगी, और एक चक्कर पूर्ण करने में उसे कितना कोण तय करना पड़ेगा, टू पाई, 360 डिग्री। तो इस डेल फाई का जो अधिकतम मान हो सकता है वो कितना हो सकता है, 2 पाई। 2 पाई से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। अगर मान लो ऑप्शन में कहीं भी आप लोगों को ऐसा मिलता है जहां हमसे क्या पूछ रहा होता है, वो कलांतर पूछ रहा होता है, और मान लो तीन ऑप्शन आपके इसे 2 पाई से अधिक है, एक 2 पाई से कम है, तो हमें यही देखना है डायरेक्ट इसका जो अधिकतम मान होगा वो हमेशा कितना होगा, 2 पाई या 2 पाई से कम होगा। इसका अधिकतम जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई। इसी प्रकार देखो डेल टी, इसका अधिकतम मान कितना होगा, ये तो शायद ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए कि हम लोगों ने आवर्तकाल पढ़ा है, तो आवर्तकाल एक चक्कर पूर्ण करने में जितना समय लगेगा तरंग को उसका अधिकतम मान उतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये देखें, एक चक्कर पूर्ण करने में जितना टाइम लगता है टी, तीसरा डेल एक्स एक पथ में उसको दूरी तय करने में, तो एक पथ में दूरी मैंने ये बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट एक चक्कर पूर्ण करने में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसको क्या बोला जाता है, तरंग देर दे। तो तरंग देर दे का जितना मान होगा
वही उसका अधिकतम मान हो सकता है। तो डेल एक्स का अधिकतम मान कितना हो सकता है? लैम्डा। मैंने तीनों लिखे थे, डेल एक्स, डेल टी, डेल फाई। इन तीनों के नीचे मैंने इनके अधिकतम मान लिख दिया, डेल फाई अपॉन टू पाई, डेल टी अपॉन टी, डेल एक्स अपॉन लैम्डा। इन तीनों को बराबर कर दो, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो हमेशा बराबर रहता है। ये रिलेशन आता है इन तीनों में, और ये पार्ट इम्पोर्टेंट है कि एक जहाँ हमें चीज़ होगी, मान लो हमें कहीं आवर्तकाल दे दिया जाता है, ठीक है, और कालांतर की हमें आवश्यकता होती है, तो इस रिलेशन की सहायता से हम लोग इन तीनों को एक दूसरे में इंटरचेंज करते रहें, ठीक है। तो डेल एक्स अपॉन लैम्डा, डेल टी अपॉन टी, डेल फाई अपॉन टू पाई, ये इनमें रिलेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग लगभग लगभग 12-13 पॉइंट के आसपास बात कर चुके हैं। ये जो सारे पॉइंट थे हमारे, ये बेसिक टर्म थी तरंग से रिलेटेड, कि वही तरंग किस किस प्रकार के टर्म यूज होंगे उसमें। तो मेरे हिसाब से शायद पीछे के किसी भी पार्ट में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इनमें ये तीनों तो हैं, सिंपल हैं, डेल एक्स, डेल टी, डेल फाई, लेकिन पीछे के जो पार्ट थे वो इम्पोर्टेंट थे। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने आयाम देखा था, आयाम क्या था? माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी का जो मान था वो आयाम था। आयाम के बाद हम लोगों ने आवृत्ति देखी, आवृत्ति एक सेकंड में होने वाले लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या को बोलते हैं। आवृत्ति के बाद हम लोगों ने आवर्तकाल देखा था, आवर्तकाल के बाद तरंग वेग देखा था, तीव्रता के बारे में बात की थी, वेग के बारे में बात की थी, आज कण वेग के बारे में बात की है। इस प्रकार सारे पॉइंट हम लोगों ने एक एक पॉइंट कवर की है। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी पॉइंटों पर काफ़ी अच्छा पार्ट है ये, तरंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो 99% यहीं से बनेगा, या साउंड जो ध्वनि हम पढ़ेंगे उससे बनता है। और मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन हैं जो इनसे रिलेटेड बनते हैं, वो यहीं करवा देता हूँ, ताकि हम लोग चैप्टर के लास्ट में जाके करें, तब तक इन सारी चीज़ों को भूल नहीं जाएं। चलिए, देखो क्वेश्चन, वाई बराबर, ये क्वेश्चन है, वाई बराबर 4 sin π/2 एट टी माइनस एक्स बटा एट। ये समीकरण हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि इस प्रकार कोई तरंग गति कर रही है, तब हम अलग 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 पॉइंट ज्ञात करना चाहेंगे। चलो मैं लिख लेता हूँ, पहले ही हमें आयाम ज्ञात करना है, इसका कितना आएगा। दूसरे पॉइंट में हम आवर्तकाल के बारे में बात कर लें, इसका कितना होगा। तीसरे पॉइंट में आवर्ती ज्ञात कर लेंगे। चौथे पॉइंट में हम तरंग वेग के बारे में चर्चा कर लेंगे। चलिए एक बार इतने निकाल लेते हैं, उसके बाद जो भी आएगा हम देखते जाएंगे आगे। इनमें देखो, सबसे पहले तो हमें करना क्या है, मैं बिल्कुल डिटेल से इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। हमें क्या करना है कि ये जैसी समीकरण दी हुई होगी हो, तो इससे हमें तीन मान मिलेंगे लगभग, किस किस के, ए आयाम का, ओमेगा का और के का, तरंग संचरण नियतांक। चलिए इसमें तरंग संचरण नियतांक लिख लेते हैं अलग, तरंग संचरण नियतांक। देखो तो यहां से देखो, सबसे पहले ये क्या है, ए का मान है ना। समीकरण क्या होती है हमारी, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स, ये समीकरण होती है। तो यहां से अगर तुलना करें तो ए का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ओमेगा का मान देखना चाहें तो ओमेगा टी के साथ है, तो यहां ओमेगा का मान कितना आए, 8 नहीं आएगा, गलती मत करना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इस प्रकार लिखा है। ये पाई बाई टू, यहां देखो साइन के साथ बाहर कुछ भी है, नहीं है, लेकिन इसने बाहर पाई बाई टू लिख दिया, तो ये पाई बाई टू अंदर गुणा होगा, ना कि बाहर ये रहेगा। तो मान कितना आ जाएगा इसका, पाई बाई टू और 8 इंटू में जो है उसे हम आ जाएगा। तीसरा जो पॉइंट हमारा है, वहां से हम के का मान और निकाल सकते हैं ना, के एक्स होगा, तो ये पाई बाई टू फिर अंदर गुणा होगा, तो ये मान कितना आ जाएगा, पाई बाई टू और एक्स के साथ गुणा में कितना है, 1/8। ये तीनों मान हमारे पास आ जाएंगे,
ठीक है। हमें क्या करना है, जैसे ही समीकरण दी होगी तुरंत हमें ये तीनों मान अलग से लिख लेने हैं, और अगर ये तीनों अलग से निकाल लिए तो हमारे लगभग सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब देखो पहला पॉइंट हमारा, अगर हम बात करें तो हमें निकालना है पहले में आयाम, तो आयाम ए का मान होता है, और ए का मान यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हमारे पास है, ए का मान 4 रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज देखो, हमें चाहिए दूसरे पॉइंट में आवर्तकाल, आवर्तकाल को हम टी से लिखते हैं, टी का मान चाहिए। अब भाई ये क्वेश्चन तभी सरल होंगे या सोल्व कर पाएंगे जब हमारे पास फॉर्मूले याद होंगे, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता इन चीज़ों में, ठीक है। तो टी आवर्तकाल का जो मान होता है वो होता है 2π बाई ओमेगा। तो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिर्फ हमें ओमेगा का मान चाहिए, वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो ये मान कितना आ जाएगा, 2π बटे ओमेगा का मान क्या लिख देंगे, पाई बाई 2, या इसको कट कर ले, कितना आ जाएगा 4π। तो ओमेगा का जो मान आएगा वो 4π आ जाएगा। इसको सरल करेंगे तो मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2, दोनों कट जाएंगे ना, ठीक है। तीसरे पॉइंट के बारे में चर्चा करें, अब इसमें यूनिट वगैरह की जो चीज़ें हैं, भाई मैंने क्वेश्चन जो दिया है आपको सिंपल लिखा है अभी तक, जब आपको एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा तो उसमें यूनिट वगैरह मेंशन होगी, तो जिस यूनिट में दे रखा होगा क्वेश्चन उसी यूनिट में हमें क्या करना है, वापस सोल्व करना है। आवृत्ति जो होती है इसको मैंने एन से लिखा, तो आवृत्ति का मान कितना था, 1/T, किसका उल्टा, आवर्तकाल का जो मान उल्टा होगा वही किसके बराबर होता है, आवर्ति का मान होता है। तो टी का मान अगर 1/2 आया है तो 1/2 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 2 आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ हंड्रेड लिख देता हूँ या सेकंड लिख लेता हूँ, ठीक है, कि मैंने स्टैंडर्ड लिख लिया। तो कितने पॉइंट हो गए हमारा, आयाम, आवर्तकाल, आवर्ति। अब तरंग वेग के बारे में याद करना है, तरंग संचरण नियतांक जो है वो के का मान है, तो के का मान तो ये रहा हमारे पास डायरेक्ट π/16, इसका मान डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, तरंग वेग कितना होगा, तो अभी मैंने आज ही इस फॉर्मूला रिपीट किया था कि तरंग वेग का जो मान होगा वो ω/k होता है। ओमेगा का मान कितना है, इस यहां से 4π, यहां कितना है π/16, तो ये पाई, और इस नीचे जो 16 आएगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला हम लोगों ने और देखा था, तो उससे भी कर सकते हैं हम लोग इसका मान, इसका मान, वेग का मान, अब किसी भी फॉर्मूले से कर लेना, आंसर सबसे सेम आ रहा होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। चलिए 6 नंबर जो पॉइंट है हमारा, यहाँ हम तरंग दैर्ध्य भी काउंट कर लेते हैं कि तरंग दैर्ध्य का मान कितना आएगा लैम्डा का। देखो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करें, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, तो आज बताया था 2π/k, ये मान किसका होता है, लैम्डा का। तो 2π तो कांस्टेंट है, और किसका मान आ जाएगा, के का मान, और हमें रख देना है, तो लैम्डा का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, लैम्डा बराबर 2π, और ये π/16 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मान, टोटल 32 आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार जितने भी हम लोगों ने पॉइंट कवर किए हैं सारे के सारे, अगर ये एक समीकरण दे देगा तो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर जो भी बचा है वो हम निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास लैम्डा वगैरह सारे मान आ गए, अब हम कोई भी मान इसका निकाल सकते हैं। भाई वो जो कला जो मैंने बताई थी, वो कला का मान ये रहेगा पूरा अंदर जो भी है, इसको π/2 को साथ लेना, ठीक है। लेकिन जो कलांतर का मान है, या जो पथांतर का मान है, या समय अंतर का मान है, वो केवल उस कंडीशन में निकलेगा जब हमारे पास कम से कम दो तरंग होगी। यहाँ अगर मैंने सिंगल तरंग दे रखी है तो पथांतर किसके बीच आएगा, तरंग ही एक है तो उस दो पथ तो नहीं होंगे उसके, या समय एक ही टाइम में पहुंच रही होगी तरंग, तो वो चीज़ें केवल तब यूज कर रहे होंगे जब हमारे पास कम से कम दो तरंग होगी, ठीक है। चलिए ये बात हो गई जब हमें डायरेक्ट समीकरण दे रखी होगी, अब हम अलग टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, भाई अलग टाइप का हमें क्वेश्चन दे रखा हो तो।
चलिए मान लेते हैं कि एक तरंग की तरंग देर दे में 20% की कमी कर दे, तो आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, मैंने सिर्फ इतना लिख लिया कि एक तरंग है, उसकी तरंग दैर्ध्य में 20% की कमी कर दे तो उसके आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा, वो चीज़ हमसे पूछना चाह रहा है। अब ये कहाँ से रिलेट करे? मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जब तक माध्यम चेंज नहीं होगा तब तक वेग समान रहेगा, और वेग का एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ये बताया था कि v बराबर n लैम्डा होता है। ठीक है, दो दो तीन तीन फॉर्मूले आए थे स्टार्ट वाले, तो हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो डाटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ वेग के बारे में अगर चर्चा करूँ तो मैंने यहाँ भी जो फॉर्मूला लगाया था वी बराबर ओमेगा कोण के, वो यहाँ काम नहीं कर रहा, सॉरी वी बराबर ओमेगा कोण के, या दूसरा जो भी फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला काम आएगा वी बराबर एन लैम्डा। और यहाँ से मैंने आप लोगों को इस प्रकार भी ये निकाल के दिखाया था कि एन वन लैम्डा बराबर एन टू लैम्डा, ये पहले तरंग के लिए, ये दूसरी तरंग के लिए, कि अगर लैम्डा का मान कम होता है तो आवृत्ति का मान बढ़ जाएगा, अगर आवृत्ति का कम होता है तो लैम्डा का बढ़ जाएगा, लेकिन माध्यम जब तक समान रहेगा तब तक वेग कॉन्स्टेंट रहेगा। यहाँ माध्यम के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, और माध्यम के बारे में अगर कोई चर्चा नहीं की गई इसका माध्यम मतलब माध्यम समान रखा गया है, तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एन वन लैम्डा वन एन टू लैम्डा टू। तो एन वन का जो मान होगा, मैं ये मान लेता हूँ उसकी जो आवृत्ति थी स्टार्ट में वो एन थी, लैम्डा के मान में 20% की कमी की गई है, परसेंटेज में आप चाहो तो रेशियो यूज कर सकते हो फ्रैक्शन के माध्यम से, और आप चाहो तो डायरेक्ट 100 मान के कर सकते हो। ठीक है, मैं 100 मान के कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ये मान लेता हूँ कि उसकी तरंग दैर्ध्य का जो मान था वो स्टार्ट में कितना था, 100 था, 100% था, बराबर आ जाएगा एन टू का मान हमें निकालना है, ये भी परिवर्तन कितना आया है, और लैम्डा टू का मान 20% की कमी की है, तो 100 में 20% की अगर कमी कर देंगे तो वो मान कितना आ जाएगा, 80। तो एन टू का जो भी मान आएगा वो आ जाएगा 5/4 एन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर स्टार्ट में आवृत्ति एन थी तो उसका 5/4 गुणा हो जाएगा अगर इसके मान में 20% की कमी कर दी जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वो आगे भी बढ़ा सकता है कि इसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना आया है, या पहले और पहली तरंग पहली आवृत्ति और दूसरी तरंग की आवृत्ति का क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो अगर मान ले अनुपात हमसे पूछ ले तो पहले का तो है एन, बाद में कितना है 5/4 एन, तो एन से एन कट जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जिसको परसेंटेज अच्छे से क्लियर है वो ये भी कर सकता है, 20% में कमी की गई है तो इसको लिख लेंगे 1/5, भाई मैथ इतनी तो आनी चाहिए वरना मैथ में काम नहीं चलेगा, 20% का मतलब होता है 1/5, अगर उसका मान 5 है तो कितने की कमी हो रही है, 1 की। मैंने ये चीज़ पीछे भी समझाई थी, परिवर्तन ऊपर लिखा जाता है ओरिजिनल वैल्यू नीचे लिखी जाती है, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 5, और परिवर्तन कितने का आएगा, 1 का आएगा, ये किस में दे रखा है, लैम्डा में, तो लैम्डा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 5 से 4, भैया अगर ओरिजिनल वैल्यू मूल मान उसका अगर 5 है तो 1 की कमी होकर कितना आ जाएगा, 4, तो उल्टा रेशियो किसका आ जाएगा, आवृत्ति का, भाई जब एक मान बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो इस प्रकार भी हम आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन मैंने पूरे मेथड से बताया है क्योंकि हमें ये चीज़ें सीखनी हैं। अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छी है तो आप लोग वहाँ से भी कवर कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को रिलेट भी कर सकते हो। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन ये है कि दो तरंग हैं, उनके आयाम का अनुपात 10:1 है। ठीक है, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, दो तरंगों के आयाम का अनुपात 10:1 है, तो हमें ये ज्ञात करना है आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम। अब आपको याद होना चाहिए आई से हमने क्या किसको प्रदर्शित किया था, आई था हमारे तीव्रता का मान, तो तीव्रता का अधिकतम मान कितना होगा, तीव्रता का न्यूनतम मान कितना होगा, इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखो क्या होना चाहिए,
तो मान क्या होगा इसका अधिकतम? जो तीव्रता होती है वो तीव्रता किसके समानुपाती होती है? आई, आई समानुपाती होता है ए स्क्वायर। आई समानुपाती किसके होता है? ए स्क्वायर, आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं पूछा, आयाम दो तरंगों के आयाम का अनुपात दे दिया है और अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात हमसे पूछा गया है। कैसे करेंगे? देखो, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने ये बताया था कि जो अधिकतम आयाम बनेगा वो दो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। जो भी हमें आयाम दे रखा होगा उस आयाम को ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 11। और न्यूनतम अगर ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा? उन दोनों का अंतर ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? अब हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखना कि मान लो अगर हमें कभी डायरेक्ट वैल्यू ही पूछ लेना तो ये अनुपात दे रखा है हमें साथ के साथ, ठीक है, तो हम कोई कॉन्स्टेंट लेके भी चल सकते हैं। लेकिन इतनी शायद मैं मानता हूँ कि आप लोग मैथ में अच्छी तरीके से समझते हैं, तो अनुपात का जो कॉन्सेप्ट है, कब अनुपात कैसे लिया जाता है, वो सारी चीज़ें वहाँ कवर कर रहे होंगे आप लोग। तो अगर हमें अधिकतम मान चाहिए तो किसके समानुपाती आएगा? आयाम के मैक्सिमम मान के स्क्वायर के। और मिनिमम चाहिए तो वो मिनिमम मान के आएगा। ये चीज़ मैं वहाँ भी कवर करवा चुका हूँ पहले, जहाँ मैंने थ्योरेटिकली इस चीज़ को समझाया था। तो अगर अधिकतम मान चाहिए तो इसका स्क्वायर आएगा, मैक्सिमम आयाम कितना है? 11। और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। मिनिमम चाहिए तो मिनिमम आयाम कितना है? 9। और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर पूछता है तो इस प्रकार की चीज़ें हमसे पूछ सकता है। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 121 अनुपात 81 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो एग्जामिनर हमसे सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता है तब तो ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। मान लेते हैं कि दो तरंग हैं, उनकी तीव्रता का जो अनुपात है वो 9:4 है। दो तरंग हैं, उनकी तीव्रताओं का अनुपात हमें दे रखा है, कितना है? 9:4। वापस हमसे ये पूछ रहा है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का मान कितना होगा, कितना होगा? तो अगर आप लोगों को याद है तो मैंने ये चीज़ करवाई थी थ्योरेटिकल में कि अगर आयाम हमें डायरेक्ट दे रखा हो तो अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था उन दोनों को हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, उनका स्क्वायर कर लेंगे, और मिनिमम ज्ञात करना तो डिफरेंस लेके स्क्वायर कर लेते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें यहाँ नहीं होगी जब हमें तीव्रता दे देगा। उस कंडीशन में मैंने आप लोगों को समझाया था कि पहले हम आयाम तक पहुँचेंगे, तो ये अगर तीव्रता है तो आयाम क्या होता है? आई, आई समानुपाती होता है ए स्क्वायर के। अगर हमें आयाम निकालना है तो इसका हम क्या कर लेंगे? रूट ले लेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ से हम आयाम लेने की कोशिश करेंगे तो आयाम को जो अनुपात आएगा A1 और A2 वो कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अधिकतम निकालना है तो इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर लेंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। लेकिन अगर हमें न्यूनतम लेना है तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, और आयाम अगर ये है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो ये मान कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1। तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास? 25:1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, और मैंने बहुत अच्छे लेवल तक न्यूमेरिकल उठा लिए हैं, इससे बाहर शायद ही कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछा जाए। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है तरंग का, कि तरंग के जो बेसिक टर्म्स हैं वो किस प्रकार हमें यूज करनी होती है। तो आप लोग रिपीट कीजिए इस चीज़ को, अगर टर्म्स क्लियर होंगी तभी चीज़ें आएंगी, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास यही है। हम ध्वनि पढ़ेंगे आगे और विद्युत चुंबकीय तरंग वगैरह पढ़ेंगे, तो उनमें यूज वगैरह काफ़ी कम पूछे जाते हैं। ध्वनि से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्वनि और ये पार्ट, इन्हीं पार्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, थैंक यू आज की क्लास के लिए।